कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के आवास पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाईकोर्ट ने गुंजल का ये बंगला गिराने के लिए राज्य सरकार को 3 महीने की मोहलत दी है। तो क्या अब ये माना जाए कि गहलोत सरकार का बुलडोजर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के आलीशान बंगले पर चलने वाला है? आरोप है कि सड़क की जमीन पर सड़क की चौड़ाई घटाकर प्रहलाद गुंजल ने अपने आवास में शामिल कर यह आलीशान बंगला बनाया था। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और उनकी पत्नी जयकमर को अब हाईकोर्ट की ओर से नोटिस मिला है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह जमीन खाली करवाने के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 160 फीट लंबी सड़क को घटाकर 120 फीट कर दिया गया। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसला लेते हुए सरकार को 3 महीने में सड़क की जमीन खाली करवाने के आदेश दिए गए हैं। गुंजल के आवास के बाहर आप देख सकते हैं, ये पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का आवास है, जिस पर सड़क की भूमि पर सड़क की चौड़ाई घटाकर अपने आवास में तब्दील करने के मामले में कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और उनकी पत्नी जय कंवर को अब हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस निकालकर 3 माह में जमीन खाली कराने के आदेश सरकार को दिए हैं। बता दें कि प्रहलाद गुंजल कोटा के पूर्व विधायक थे और उनकी पत्नी जय कंवर नाम से ये इनका आलीशान बंगला बना हुआ है, लेकिन बंगले के बाहर सड़क की लंबाई को घटाकर और प्रहलाद गुंजल ने अपने आवास में काम ले रखा है। इस मामले में अनिल सवालका ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि 160 फीट लंबी सड़क को घटाकर 120 फीट कर दिया है। हाईकोर्ट के दायर याचिका पर फैसला लेते हुए सरकार को 3 महीने में सड़क की भूमि खाली करवाने के आदेश दिए। ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो सड़क का जो ये कॉर्नर है, इधर से पूरा इस कॉर्नर से लेके और आप देखिए दूसरी तरफ भी, यहाँ वो सड़क का जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ तक, और इसके उसके बगल से भी सड़क अंदर जा रही है, वहाँ भी सड़क का पूरा कॉर्नर है। तो बताया जा रहा कि जो ये जो सर्कल है, सर्कल से जो ये सड़क है, इस सड़क का बताया जा रहा है कि इस सड़क की तरफ से ज़्यादा हो सकता है जो चौड़ाई है इधर से घटी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये प्रहलाद गुंजल का जो आवास है, पूर्व विधायक हैं कोटा उत्तर से बीजेपी के, इनका ये आवास यहाँ बना हुआ है। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन नातू के साथ कोटा से चेतन गुजर।